जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जयरस पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन तथा नाइट्रोजन चक्र, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड नाइट्रोजन साइकिल। दोस्तों हमारे वायुमंडल का संगठन क्या है, इसको जानने से पहले हम देखते हैं कि हमारा वायुमंडल बना कैसे। दोस्तों आप जानते हो कि बिग बैंग के बाद जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी बहुत गर्म थी और अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे बहुत तेज गति से घूम रही थी। देखिए आपका ये ग्लोब है, आज हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे ये घूम रही है, लेकिन जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये घूमने की जो गति थी, ये अच्छी गति जो थी, ये बहुत तेज थी। और आप सभी जानते हो कोई भी चीज अगर अपनी जगह पे गोल गोल घूमती है तो एक बल उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल। अब ये बल काम क्या करता है, किसी भी चीज को केंद्र से दूर फेंकता है। आप बचपन में जब छोटे रहे होगे तो गोल वाले झूले पे बैठे होगे तो ये अनुभव आपने किया होगा कि गोल वाला झूला आपको केंद्र से दूर फेंक रहा है। ये काम कौन कर रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये पृथ्वी जब बहुत तेज गति से घूम रही थी बनने के समय, तो जो भी गैस इससे बन रहे थे वो सारे गैस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो पृथ्वी से दूर चले जा रहे थे, पृथ्वी के आसपास टिक ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब समय बीतता गया तो पृथ्वी भी धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई और साथ में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव कम हुआ। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन, अपने अक्ष पे घूमने की जो गति थी, एक्सियल मोशन जो था, वो धीरे धीरे कम हुआ। तो जब पृथ्वी का एक्सियल मोशन, पृथ्वी का ये अक्षीय गति जो है, ये जब कम हुआ तो अब केंद्रीय बल जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी कम हुआ। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से जो भी गैस इस पृथ्वी पे बन रही थी वो सारी यहीं पे पृथ्वी के आसपास रुकने लगी। तो हमारी पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में गैस जमा होने लगे। अब ये देखिए पहले क्या कंडीशन थी, सारी गैसें जो पृथ्वी में बन रही थी वो पृथ्वी से दूर चली जा रही थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। लेकिन जब पृथ्वी का घूमना कम हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम हुआ, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसें पृथ्वी के चारों ओर इकट्ठा होनी शुरू हो गई और ये हमारा प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण होना शुरू हुआ। अब इन्हीं गैसों में से एक गैस थी ऑक्सीजन और इन्हीं गैसों में से एक गैस थी हाइड्रोजन। अब इन दोनों गैसों के मिलने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल गए तो बन गया जल, क्योंकि पृथ्वी गर्म थी तो जल वाष्प। तो हमारे वायुमंडल को एक और तत्व मिल गया, जल वाष्प। और आप जानते हो कि ज्वालामुखी विस्फोट से बड़ी मात्रा में धूल कण ऊपर की ओर उछलते हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट उल्का पिंड के टकराने से बड़ी मात्रा में धूल कण ऊपर उछले, तो हमारे वायुमंडल में धूल कण भी चले गए। और आज भी आप देखिए जल वाष्प, चूंकि सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर जल वाले जलीय क्षेत्रों में पड़ती हैं, तो जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। हम गाड़ियां चलाते हैं, परमाणु बम विस्फोट करते हैं, तो इन सब कारणों से भी धूल कण वायुमंडल में चला जाता है। तो हमारे वायुमंडल के जो तीन प्रमुख तत्व हैं, गैस, जल वाष्प और धूल कण मिल गए, तो हमारा वायुमंडल गैस, जल वाष्प और धूल कणों से मिलके बना है। ठीक, अब हमारी जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाना शुरू हो तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते ऑक्सीजन न्यूनतम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन का जो घनत्व है पृथ्वी की सतह पे, घनत्व मतलब सघनता, जो ऑक्सीजन की जो सघनता है पृथ्वी की सतह के पास ज्यादा है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाना शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन की सघनता कम होती जाती है और 120 किलोमीटर तक जाते जाते तो नगण्य हो जाती है। जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प की बात है तो ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। अब देखिए वायुमंडलीय गैस, अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है तो ध्यान रखिएगा, जो ये मैं डेटा आपको दे रहा हूं ये NCERT की बुक से है। ठीक, आप ढेर सारी वीडियोस देखोगे
ढेर सारी किताबों में देखोगे इस डेटा से अंतर मिलेगा, लेकिन आपको फॉलो क्या करना है, एनसीईआरटी के डेटा को ही फॉलो करना है क्योंकि ये भारत सरकार की किताब है, तो हमें इसे ही फॉलो करना है, इसे ही याद रखना है। ठीक, तो चलिए देखते हमारे वायुमंडल की जो प्रमुख गैसें हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78.8% पाई जाती है, यानी सबसे अधिक यही गैस पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद आर्गन 0.93% आर्गन पाई जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन 0.002% नियॉन पाया जाता है, हीलियम 0.0005% हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन 0.00005% हाइड्रोजन पाया जाता है, और ओजोन 0.00006% ओजोन पाया जाता है। अब इन गैसों में आज की वीडियो में हम नाइट्रोजन के बारे में विशेष रूप से देखेंगे। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके ऊपर पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर रही हैं, तो इसके बारे में एक अलग वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओजोन, ये हमारी जीवन रक्षक गैस, ये स्ट्रेटोस्फीयर में सम तापमंडल में एक लेयर के रूप में पाई जा रही है ओजोन, तो इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो दोस्तों, नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अक्रिय गैस है, और इसकी खोज हुई थी 1773 में रदरफोर्ड द्वारा, और रदरफोर्ड कहां के थे, स्कॉटलैंड के थे। जब इसकी खोज हुई तो इस गैस का नाम रखा गया एजोट, लेकिन 1790 में एजोट का नाम बदल के रख दिया गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारे आरएनए डीएनए में, हमारे पाचन के लिए बहुत ही जरूरी है, हम इसे फलों सब्जियों आदि के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे पौधों के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी तत्व है। लेकिन हम नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हम वायुमंडल में अपना मुंह, मतलब हम अपना मुंह खोले, हवा अंदर लिए और हमें नाइट्रोजन मिल गया। ऐसा भी नहीं कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर नाइट्रोजन बैठा और पेड़ पौधों ने नाइट्रोजन खा लिया, ऐसा संभव नहीं है। फिर हम नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करेंगे, और जबकि नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसके लिए हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। तो देखिए, ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, और हमारे नेचर ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, उसने एक राइजोबियम और एक डाइजोट्रॉप्स, ये दो बैक्टीरिया बनाए। वैसे तो ढेर सारी बैक्टीरियाज हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इनका नाम लिख रहा हूं। तो राइजोबियम और डाइजोट्रॉप्स नामक बैक्टीरिया दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, दाल वाली फसलों के जड़ों में, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स कर देते हैं। किस रूप में? अमोनिया और अमोनियम के रूप में। तो राइजोबियम और डाइजोट्रॉप्स वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में अमोनिया और अमोनियम के रूप में फिक्स कर देते हैं, और इसे ही कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो इन दोनों बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है। ठीक, लेकिन अब ये जो अमोनिया बन गया, अमोनिया और अमोनियम बन गया, ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जहरीला होता है, डायरेक्ट ले भी नहीं सकते, ना हम ना पेड़ पौधे। तो इसके लिए एक और बैक्टीरिया नेचर ने उपस्थित किया हमारे लिए, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। अब ये क्या करता है, नाइट्रोजन अमोनिया और अमोनियम को नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, कौन? नाइट्रोसोमोनास, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। अब देखिए, अब ये मिल गया हमें नाइट्राइट
और नाइट्रेट। अब ये पौधे क्या करते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट को ग्रहण कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है स्वांगीकरण, असिमिलेशन। अब नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में पौधों ने नाइट्रोजन को ग्रहण कर लिया। अब उन्होंने बनाया, अपने यूज के लिए तो लिया ही लिया भाई, इतना काम करेंगे तो लेंगे ही लेंगे, तो अपने यूज के लिए लिया, साथ ही हमारे लिए प्रोटीन बना दिया। अब हमने क्या किया, प्रोटीन ग्रहण किया और हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो गया। ठीक, ये हमारी ज्योग्राफी के लिए इतना नाइट्रोजन चक्र पूरा है, लेकिन और डिटेल में पढ़ना होगा कि भाई बिजली से भी नाइट्रोजन बन जाता है, जो बिजली बादल में कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन बन जाता है, तो जी हाँ बनता है। तो ये सब पढ़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, साइंस देखिएगा, क्योंकि हमारे लिए भूगोल में तो इससे काम चल जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम पेड़ पौधों को जलाएं, आज की डेट में आप जानते हो पेड़ हो गया तो दो तीन चीज उसके साथ हो सकती है, या तो दब जाए आगे बन के वो कोयला बने, या तो जला दिया जाए, या तो वो सड़ जाए। तो फिलहाल अगर हम पेड़ को जला दें, तो अगर हम पेड़ को जलाएंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, क्या निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और हमारे वायुमंडल में जाएगा। और आपको पता है हमारे वायुमंडल में जल वाष्प उपस्थित है, तो इस नाइट्रोजन ऑक्साइड का जल वाष्प बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और जल वाष्प और नाइट्रोजन दोनों ने क्या किया, आपस में क्रिया कर लिया। भाई इंतजार कर रही थी तो क्रिया करना ही है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जल वाष्प के साथ क्रिया हो गया, तो बन गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल बन गया। अब ये हमारे वायुमंडल में नाइट्रिक अम्ल उपस्थित हो गया, और जब ये नाइट्रिक अम्ल पानी की बूंदों के साथ नीचे गिरेगा तो इसे ही कहेंगे अम्लीय वर्षा, ठीक, एसिडिक रेन। अब ये एसिडिक रेन अगर जमीन पे गिरा तो हमारी मिट्टी में अम्लीयता बढ़ाएगा, और जब हमारी मिट्टी में अम्ल बढ़ेगा तो मिट्टी की उर्वरकता कम होगी, मिट्टी की फर्टिलिटी कम होगी। लेकिन अगर यही एसिडिक रेन यानी यही एसिड वाटर बॉडी में गिरा, जलीय क्षेत्र में गिरा, तो उस जलीय क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएगी, यानी अगर एसिड बनेगा तो नुकसान पहुंचेगा। और हम लोग तो विकसित, अपने आप को विकासशील या विकसित मानव मानते हैं, और ये मान के चलते हैं जो भी नेचर ने दिया है हम उसे बर्बाद जब तक नहीं कर लेंगे हम शांति से नहीं बैठेंगे, ये हमारा उद्देश्य बन गया। आप लोग आज देख ही रहे हो कि पेड़ पौधों को लगातार काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है अपने विकास के लिए, तो हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जितना ही अधिक पेड़ जलेगा उतना ही अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होगा, उतना ही अधिक नाइट्रिक एसिड बनेगा और हमारी मिट्टी और जलीय भाग में गिरेगा, और नुकसान हमें ही होगा, क्योंकि नेचर तो टॉलरेट करेगी नहीं। आप नेचर को छेड़ोगे वो आपको छेड़ छेड़ देगी, आप एक बार छेड़ोगे वो छेड़ छेड़ दो बार देगी। इसलिए हमें क्या करना है, कम से कम प्रयास करना है कि लकड़ियों पेड़ों को काटा जाए, लकड़ियों को जलाया जाए, ताकि ये नाइट्रिक एसिड ना बन पाए। आगे देखिए, ये मैं महत्व लिख दिया हूं, तो चलिए, आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद।